व्हाट्सएप पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज मैं एक्सप्लोर कर रही थी मयूर विहार के मार्केट, तो मुझे यहाँ पे एक शॉप मिली जिसका नाम था गुड्डू, जो कि जस्ट मेरे पीछे है। क्या जरा दिखाइएगा इन्हें। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं ऐसी घूम रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई, वहाँ पे लिखा था प्रोटीन बिरयानी। तो मैंने सोचा कि यार प्रोटीन बिरयानी एक बार टेस्ट करनी चाहिए, कैसी होती है, नई शॉप है इनकी अभी यहाँ पे जस्ट, तो फिर देखना चाहिए कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए एक बार टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ की बिरयानी कैसी है। चलो, तो यहाँ पे हमारे साथ गुड्डू के मैनेजर हैं, तो हम इनसे कुछ पूछते हैं इन्होंने कैसे कॉन्सेप्ट बनाया ये, और प्रोटीन बिरयानी का क्या है, तो एक बार पूछते हैं। सो भैया, आपका नाम क्या है? तनिष्क। आपकी ये शॉप कब से है यहाँ पे? 6 to 7 months हो गए अब तो। अच्छा, और आपने कॉन्सेप्ट कैसे सोचा प्रोटीन बिरयानी का कि हाँ हमें ये रखना चाहिए? या एक्चुअली क्या है, हमारा कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ कैफे हमारा नहीं है, इट्स स्टार्टअप ऑफ उदयपुर अंडर अभिषेक सिन्हा। तो इनका मेन मोटिव ये था कि ये नॉनवेज वगैरह को थोड़ा कम कर सके, तो ऐसी कोई चीज़ बना सके जो कि वेज भी हो और टेस्ट भी नॉनवेज का दे, और जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह भी नॉनवेज जैसा ही हो। तो जो हमारे प्रोटीन बिरयानी वगैरह था, तो इसके अंदर अपना अलग प्रोटीन एक प्रोडक्ट आता है जो कि कंपनी से ही बन के आता है, तो वही प्रोटीन इसके अंदर डलता है, और जिसके अंदर बाइट्स होती है जो चिकन बाइट्स जैसी टेस्ट करते हैं, अगर आपने टेस्ट करी होगी तो आपको पता चलेगा, जो कि चिकन बाइट्स जैसी टेस्ट होती है, बट होता प्लांट बेस्ड ही है, सारा प्लांट बेस्ड होता है। सोया इसके अंदर 18% होता है, प्रोटीन बिल्कुल चिकन जितना मिलेगा और बाकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बस ये। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट ये बना रखा है कि लोगों की हेल्थ के लिए और इतना प्रोटीन के लिए। तो अब हम यहाँ पे प्रोटीन बिरयानी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी है, तो चलिए शुरू करें। सो गाइस, हमने अपनी बिरयानी तो ऑर्डर कर दी है, मेरे को तो वेट है, पता नहीं कैसी होगी। और मैंने अभी यहाँ पर इनका मेन्यू देखा, तो यहाँ पर हर चीज़ वेगन के नाम से है ऑलमोस्ट, मतलब इनका ये कॉन्सेप्ट है। सो गाइस, हमारी बिरयानी आ चुकी है और ये देखने में कितनी खूबसूरत है, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे। और हाँ, आप इसमें देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे सोया चंक्स हैं, जो कि ऐसा मतलब जब हम इसे च्यू करते हैं तो इसमें एकदम चिकन का आता है। जो बंदे चिकन खाते हैं उनको तो पता ही रहता होगा कि उसे कितना अच्छे से चबाना पड़ता है, इसको भी वैसे चबाना पड़ता है, और ये पर वेजिटेरियन चीज़ में आती है। और इनका कॉन्सेप्ट ही यही है, उन्होंने कॉन्सेप्ट यही रखा है कि हमें लोगों को, मतलब जैसे जो वेजिटेरियन है वो नॉनवेज नहीं खा सकते, तो उसको वेजिटेरियन फील, वो नॉन वेजिटेरियन खाने को फील कराना कि हाँ वो कैसा होता है, इसमें कितने प्रोटीन्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों का। तो अभी इन्हें जल्दी से टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसी है। इसमें हर एक चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, और जो उसके गरम मसाले हैं बस बहुत अच्छे हैं, और बहुत तीखे भी हैं, मतलब तीखी है बिरयानी, हाँ छोटे बच्चे से नहीं खा सकते, बट बहुत अच्छी है, और एक बार बड़ी भी खा के देखनी चाहिए। तो ये जो बड़ियाँ भी हैं बहुत अच्छे से कुक्ड हैं, मतलब मुंह में जाते ही घुल गई ऐसे, और बस गरम मसालों का तो क्या ही कहना, ऊपर भी इतने सारे दिख रहे हैं, ये देखो गरम मसाले कितने सारे हैं इसमें, बहुत अच्छी है। तो चलिए अभी से जल्दी से ख़त्म करते हैं। ये हमारा गुड फ्राइड क्रिस्पी है, इट्स एन अल्टरनेटिव ऑफ आई गेस केएफसी स्ट्रिप चिकन, आप देखिएगा बिल्कुल स्ट्रिप चिकन की तरह लगता है। आप अभी इसको खाए के देख, मामा अगर इसको खा के देखेंगे तो टेस्ट आप पूछिएगा तो वो बताएंगे कैसा टेस्ट आया। ये हमारी तरफ से हमारे कैफ़े का बेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि ये बिल्कुल ही प्लांट बेस्ड होता है, सेम 18% सोया, बाकी प्लांट बेस्ड है।
स्ट्रेचिनेस चिकन जैसी है, टेस्ट चिकन जैसा है, दिखने में चिकन जैसा है। और जो ये आप डिप देख रहे हैं, ये जो मेयोनीज है, ये भी हमारी वीगन मेयोनीज है, ये भी कंपनी बेस्ड आती है। इसके अंदर कुछ नॉर्मल दूध वगैरह कोई भी एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं होता है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, नॉन वेज और वेज, बट ये वेज है। और आप इसे देख रहे हो, ये टूट बिल्कुल नॉन वेज की तरह रहा है और टेस्ट में भी बिल्कुल केएफसी जैसा है। और मेयोनीज़ थोड़ी सी मीठी है, बाकी बहुत अच्छा है फ्लेवर। यहाँ आके एक बार ट्राई करना तो ज़रूरी है, तभी पता चलेगा आपको ये वेज और नॉन वेज का कॉन्सेप्ट। तो जब मैं यहाँ बैठे बैठे खा रही थी, तो मेरे को जस्ट मेरी नज़र पड़ी वहाँ पीछे राम लड्डू वाले, तो अब मेरा तो बहुत ज़ोर से मन कर रहा है कि मैं जाके राम लड्डू खाऊँ। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं खाकर आती हूँ, और इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। इन्होंने इसमें बहुत सारी मूली और बहुत सारी हरी की चटनी डाली है, और इसका इनका कुछ मसाला है, और ये रेडी हो गए हैं। चलिए खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जगह घूम ली, तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं खा जैसे कि मैं खाऊँ और आपको बताऊँ कि हाँ, बट जो मैंने राम लड्डू खाए वो तो बेस्ट थे, वो तो सबको ही बेस्ट लगते हैं। राम लड्डू बोलते हैं, और आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि एक बार मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये चीज़। और तो इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।